ऑल इंडिया समाज सेवा केंद्र आज 20 साल हो गए हैं और सर सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और सर के साथ साथ सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि सभी की लाइफ जहाँ है कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार यहाँ से जुड़ा हुआ है सांझा रेडियो के माध्यम से भी या फिर किसी भी चीज़ के माध्यम से जहाँ भी जिस भी प्रोजेक्ट में यस टीवी में सही लखानी सर यस टीवी से बिलोंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो एक जड़ है वो तो ऑल इंडिया समाज सेवा केंद्र है और इसी जड़ के खातिर हम सारे के सारे लगे हुए अपने अपने काम में। अगर ऑल इंडिया समाज सेवा केंद्र की बात करूँ तो सब बहुत ज़्यादा अपने आप को हैप्पी मानती हूँ कि मेरे को दोनों ही जगह काम करने का मौका मिला। सर ने मुझे अपनी स्टाइल से तैयार किया सर हमेशा कहते हैं सारा काम सर ने अपने तरीके से सिखाया तो मेरे को एनजीओ का काम करने का भी मौका मिला रेडियो में भी काम करने का मौका मिला या फिर और भी जहाँ जहाँ भी था वो सारे काम किए। तो बस सर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज के दिन पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जितना आपने सिखाया है जो कुछ सिखाया है आई विल नेवर लेट यू डाउन और जितना भी मैं सपोर्ट कर पाऊँगी वो मैं जब तक कर पाई करूँगी। और लास्ट में एक ही शेयर बोलूँगी लोग सोच लेते हैं जहाँ रुक गए वहीं ठिकाना है लेकिन हमने हमेशा से सोचा है रुकना नहीं यार अभी बहुत दूर जाना है बहुत दूर जाना है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो और मैं कहना चाहूँगी कि सांझा से मैं जुड़ी थी और जब मैं आई थी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी एक पहचान होगी कि कोई मुझे जानेगा यमुनानगर में भी। मैं आई थी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लेकिन धीरे 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 एकदम से अलग फील्ड में आ गई और सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि कहा नहीं तू कर सकती है। मैं बहुत डरती थी कि मैं नहीं बोल पाऊंगी मैं नहीं कर पाऊंगी नहीं मेरे बस का नहीं है मेरी लाइन नहीं है मेरी एजुकेशन से हटके है। फिर सर ने मुझे कहा कि जरूरी नहीं कि जो पढ़ा हो वही तुम करो अगर तुम्हें कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है तो उस चांस को हाथ से मत जाने दो। और फिर मैंने उस चीज को समझा सोचा कि अगर मुझे मेरी लाइन से हटके भी कुछ करने का मिल रहा है तो इट मीन्स कि मेरे पास दो एक्सपर्टाइज आ रही हैं और मुझे उसको ध्यान देना चाहिए सीखना चाहिए। और धीरे 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 काफ़ी कुछ सीखा और आज काफ़ी आगे हूँ हर चीज़ कर लेती हूँ काफ़ी हद तक कोशिश करती रहती हूँ सीखने की और सीखती रही हूँ और होप्स हो कि जितना टाइम है और आगे जितना भी साथ रहेगा और भी बहुत कुछ सीखूँगी। वैसे मैं अभी नई हूँ अभी अभी लिया बट मेरा शुरुआती एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ के टीचर्स बहुत मतलब टीचर के आजिस बहुत अच्छे थे चेतना मैम तनु मैम से तो मैं पहले भी एक बार मिल चुकी थी एक बार ही मैं आई थी देवी गर्ल्स कॉलेज की तरफ से यहाँ पे तो पहले मुझे यहाँ पे लोकेश भैया ने मुझे वहाँ पे मिलवाया था सर से एंड मीनू मैम से तो फर्स्ट एक्सपीरियंस थोड़ा नर्वस थी कैसे होगा क्या करूँगी समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। और फिर जब आई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि कर लूंगी क्योंकि मुझे इसी लाइन में आना था जर्नलिस्ट बनना था कुछ था कि कुछ कर दिखाना है इट्स मुझे अपना नाम रोशन करना है फैमिली को प्राउड फील करवाना है। फिर मुझे यहाँ पे आया कि रेडियो स्टेशन ओके और सर ने आती मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी दो हल्ला बोल एक एंड नेत्री। पहले था कि ऑफकोर्स अब तो मुझे करना पड़ेगा कुछ करके दिखाना है क्योंकि जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है कोई आप पे विश्वास दिखाता है ट्रस्ट दिखाता है तो उसका कभी भी ट्रस्ट नीचे नहीं गिरने देना। सर ने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया रिस्पॉन्सिबिलिटी दी मुझे कि ये बच्ची कर सकती है देन सर आई प्रोमिस यू मैं कभी आपको नीचे नहीं गिरने दूंगा जितना हो सकेगा मैं उससे ज्यादा दूंगी अपना बेस्ट दूंगी एंड सर कंग्रेचुलेशन और मैं आपकी हमेशा पर जरूर खड़े उतरूंगी। थैंक यू सर आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। मनमोहन सर के लिए तो थैंक यू है ही है बट राहुल सर के लिए भी थैंक यू है उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया रिनी मैम चेता मैम वातिश सर सुंदर मोहन सर सब मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं सब बता रहे हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो नहीं बोला जाता अभी थोड़ा सा है कि नहीं अभी नहीं बोल पाऊंगी थोड़ी सी वॉइस ऐसी सी है वॉइस चेंज करनी है बट नो मैं कर सकती हूँ करूंगी। एट द लास्ट यही कहना चाहूंगी कॉन्ग्रेचुलेशन सबको और कुछ करके दिखाना है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी क्योंकि सांझा रेडियो को 20 साल हो गए हैं और मैं चाहती हूँ कि आगे भी कई सालों तक चले। और मैं ये कहना चाहूंगी आपने मुझे यहाँ पर बुलाया कि सांझा रेडियो मेरा एक जो स्ट्रीम है वो डिफरेंट है आई एम कॉमर्स स्टूडेंट मेरा ड्रीम ये है कि मैं अलग जगह जाऊँ पर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया सांझा रेडियो पर और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर और यहाँ पर सभी स्टाफ बहुत अच्छे हैं सब मोटिवेट करते हैं और मेरे को उम्मीद है कि यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख के जाऊंगी और आगे अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करूंगी और आपका भी क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आगे भी सिखाएंगे आई होप। बस और मैं कुछ नहीं राहुल सर भी बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं वातिश सर सुंदर मोहन सर तनु मैम ऑल आर वेरी गुड
और बस मैं ये कहूँगी लास्ट में कांग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद देना चाहेंगे हम सर मनमोहन सिंह जी को, सबसे पहले मुबारकबाद मेरी तरफ से। और एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो आप नाम देख रहे हैं सांझा, सो ये लाइन देखने के बाद, ये दो छोटा सा एक वर्ड है, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं पड़ती इस कम्युनिटी के बारे में या इस संस्था के बारे में, कि सांझा का एक नाम ही होता है कि सबके लिए, यानी कि सबका मिला जुला। तो इसको बोलने के बाद शायद हमें कुछ और बोलने की जरूरत ना पड़े। और इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे हम एज अ डायरेक्टर में काम कर रहा हूँ, पंजाब में मैंने काम किया है, तो हमें होता था कि यार हम यमुनानगर में कभी कुछ नहीं कर पाते थे, हमें यमुनानगर में कोई ऐसे प्रोड्यूसर नहीं मिलते थे या यमुनानगर में हमें कोई ऐसा समझने वाला नहीं मिलता था हमें कि जो हमारे प्लान्स जो हमारे आइडियाज़ समझ सके। तो जब मैं सर से मिला तो मुझे लगा कि शायद अब कोई है जो हमें यमुनानगर में समझ पाएगा जो हमारे ये प्लान्स जो हैं, क्योंकि काफ़ी प्रोड्यूसर्स हमें यमुनानगर में मिले, काफ़ी लोग हमें यमुनानगर में मिलते रहे, पर वो हमारे प्लान्स नहीं समझ पाए कि जो हम हमारी जो थॉट्स हैं, हम जो करना चाहते हैं एंटरटेनमेंट में या जो हम वेब सीरीज़ के लिए कर रहे हैं, पर ऐसा कोई हमें अभी तक यमुनानगर नहीं मिला था आज तक। तो सर पहले हैं जिन्होंने बहुत जल्दी हमारे प्लान्स को फॉलो भी किया, जैसे जैसे मैंने उनको बोला है कि हमने ये करवाना है, सर ने कभी हमने नानी की किसी चीज़ के लिए उन्होंने मना नहीं किया, हमने जो भी उनको कंसर्ट बताया उन्होंने वो किया है साथ में। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका और तहे दिल से आपको फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पहले मैं बता दूँ ये गाना भी पहले यहीं लॉन्च हुआ। तो इस गाने से पहले मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो सांझा रेडियो पर, तो ये गाना बहुत अच्छे से प्रमोट किया गया था, सुंदर मोहन जी ने इसका एक व्यू बनाया था, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को प्रमोट किया गया था, इस गाने को 4:04 वाला जो व्यू बहुत अच्छा इन्होंने बनाया था हमारे सुंदर मोहन जी के, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इनका। सो सांझा रेडियो पर ये बहुत अच्छे से इसकी प्रमोशन की गई थी, तो आज मैं उसकी सिर्फ दो लाइन आपको बोलती सुना दूँगा। तेरे बिन सुना सारा ए जान, ओ मनु छड़ के न जाई सजना, तेरे बाजा मुक जाने मेरे सा मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान। थैंक सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन सर को कि इतना टाइम हो चुका है इस संस्था को और आज मेरा फर्स्ट डे है यहाँ पे ज्वाइनिंग का, तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि यहाँ पे ऐसी जगह पे आके कि यहाँ का एक एंटायर टीम का पार्ट बनने के लिए कि अब एक पहचान बन चुकी है कि हम कहाँ से हैं और आई होप कि ब्राइट फ्यूचर हो। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सांझा रेडियो बड़ा आगे बढ़ चुका है और अभी यास टीवी भी आ चुका है, यास टीवी जिनका यूट्यूब पे फेसबुक पे हर जगह है छा चुका भी है और ये काफ़ी टाइम से है, जिनके व्यूज़ भी काफ़ी हैं, सब्सक्राइबर की काफ़ी हैं जो कि मैंने देखे हैं काफ़ी, और जो सांझा रेडियो है आज हर जगह बज रहा है और हर जगह चल रहा है, मतलब कि बहुत छाया हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस आगे बड़ा अच्छा रहे यहाँ पे, और मैं एंटायर टीम को भी कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ जो यहाँ तक लाए इसको, और आई होप कि आगे भी आज जो मेरा दिन गया, मतलब स्टाफ मेंबर भी काफ़ी अच्छे हैं, सारे साथ देते हैं और सर भी काफी अच्छे हैं, और आई होप कि आगे भी अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। और कुछ चार लाइनें जो मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जो इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ किया हो या कुछ करा हो हार्ड वर्किंग के, उसके लिए मैं चार लाइनें रैप के थ्रू बताना चाहता हूँ। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं, कोई भी लकीर नहीं कह दे जो तुझे तेरी तकदीर नहीं, अगर हुई तेरी हाथ तो मान ले बात बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं, कहती है गीत यही नए जमाने की है देखो नई रीत यही, जो कुछ चाहेगा तू वही बजाएगा तू, जीत होगी तेरी कर खुद पे यकीन, हाँ पानी हो कम कंकर से निकाल, एडी का पसीना अपने सुर से निकाल, बस कर बातचीत अब रात गई भी, तेरे सामने सवेरा तेरे सामने है जीत, जीत होगी तेरी जीत। एवन पंजाबी में टिक टिक घड़ी कहंदी आ गया समा, उठ भी जमाना कुछ करके वखा ले अपनी तू था ना अपना बना, इंच गड्डियां च घूम के तू जिंदना गवा, हाँ असी वह अपना
आप बनाया कि मैं जीते जांदी सरबाजी साडे वीर ने सिखाया हां नाम बनाया नाले पैसे भी कमाया लोकी कर देने गल्ला आपा करके विखाया मापियां दा ना चमका दे छा जा तू दुनिया हिला दे मिट्टी नु भी हथलावा बन जांदी सोना सो गेट यू शाइन ऑन पीपल कम ऑन नाउ अगाड़ा रोल करा ब्लिंग ब्लिंग डोंट हैव एनी क्राउड बट स्टिल आई एम किंग बाबा जी दी मेहर होवे करी जा तू मेहनत जीत तेरी तेरी होनी बंदिया तू देखी जा थैंक यू सो मच